हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी सिलेक्शंस। व्यूअर्स, जैसे ही हम 30 प्लस होते हैं तो हमारे फेस पे फाइन लाइंस एंड स्किन एजिंग जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हम मुख्तलिफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आपको टेम्प्ररी रिजल्ट देती हैं, ये आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सो व्यूअर्स, आपको मज़ीद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। एज यू नो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा ऐसी ब्यूटी रेमिडीज बताती हूँ जो आपके किचन में ईजिली अवेलेबल होती हैं, और आप विदाउट स्पेंडिंग मनी अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज भी मैं आपके लिए बहुत ईजी रेमेडी लेकर आई हूँ। आज की रेमेडी में मैं आपको एक बनाना मास्क बताऊँगी जिससे आपकी स्किन फेयर एंड ग्लो करेगी, साथ ही साथ प्रीमेच्योर एजिंग एंड फाइन लाइंस को रिमूव करेगी। ये मास्क बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 बनाना, 1 टेबल स्पून ऑरेंज जूस एंड 1 टेबल स्पून प्लेन योगर्ट। आइए आपको ये मास्क बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप बनाना को छील कर इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। और फिर इसमें 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस ऐड करें, साथ 1 टेबलस्पून योगर्ट भी ऐड कर दें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ये बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। अब इस क्रीमी पेस्ट को फेस एंड नेक पर अच्छी तरह से लगाएं। और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर ठंडे पानी से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इस मास्क को उतार लें। व्यूअर्स, केले में विटामिन ए, बी, सी एंड पोटेशियम होता है जो हमारी स्किन को वेल हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखता है और प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है। और विटामिन सी तो व्यूअर्स हम जानते ही हैं कि हमारी स्किन को फेयर एंड ग्लो बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इस मास्क को व्यूअर्स वीक में 2 बार इस्तेमाल करने से आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा, आपका फेस फेयर, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो व्यूअर्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।